इंदौर बिजली बिल माफी को लेकर इंदौर से समाज अध्यक्ष सुभाष शर्मा और समाजजनों ने जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट से मुलाकात की। लॉकडाउन से बिजली बिल में काफी बढ़ोतरी हुई है, जिससे आर्थिक तंगी के चलते भी जनता काफी परेशान है। पिछले दिनों सैन समाज के व्यवसायी राजेश सोलंकी ने आर्थिक परेशानी और बढ़ते हुए बिजली बिल को लेकर आत्महत्या का कदम उठाया। इसी को लेकर समाजजनों ने मंत्री सिलावट को ज्ञापन सौंपा, कहा कि बिल कम किए जाए व सैन समाज को आर्थिक सहायता दी जाए। इंदौर ब्यूरो राकेश सच्चर के साथ मंथन सैन की रिपोर्ट। हमने हमारे इंदौर के प्रभारी मंत्री आदरणीय तुलसीराम जी सिलावट जी से संबंध में चर्चा की और हमने उनसे निवेदन किया कि हमारे समाज बंधुओं की दुकानों के ऊपर अधिकांश मशीनें जो है वो इलेक्ट्रॉनिक की मशीनें हैं। इलेक्ट्रॉनिक की मशीनों से हमारे समाज के बंधु कार्य करते हैं और उसकी वजह से हमारे समाज के बंधुओं को इस लॉकडाउन के अंदर भी बहुत ज़्यादा बिजली का बिल प्राप्त होता है। हमारे समाज के एक सोलंकी जी ने इस वजह से आत्महत्या कर ली। मैं गुजारिश करना चाहता हूं, हमने ये गुजारिश की आदरणीय तुलसीराम जी सिलावट साहब से कि बिजली के बिल हमारे समाज के बंधुओं के केश शिल्पियों के बिजली के बिल माफ़ किए जाएं। हम लगातार इस संबंध में ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन प्रशासन इसको गंभीरता से नहीं ले रहा है और उसकी मूल वजह है कि प्रशासन चाहता है कि हम आंदोलित हों। हम नहीं चाहते कि किसी प्रकार का आंदोलन हो, लेकिन अगर प्रशासन ने शासन ने हमारे साथ न्याय नहीं किया तो सैन समाज सड़क पर आकर भी आंदोलन करेगा। हम किसी भी तरीके से हमारे व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। सुभाष वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय सैन समाज, मध्य प्रदेश। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।